कोर्ट लखपत जेल में मरियम नवाज की नवाज शरीफ से मुलाकात। नवाज शरीफ और मरियम नवाज की मुलाकात आधा घंटा जारी रही। मरियम नवाज अपने वालिद के लिए खाना और ड्राई फ्रूट भी लाई। नवाज शरीफ का मौसम के बायस थोड़ा सा गला खराब, मामूल का चेकअप हुआ, तिब्बी इमदाद दी गई। जेल हुक्काम गुजरात पुलिस फंड्स करप्शन केस राय जांच के बाद एक और डीपीओ नैब के शिकंजे में आ गया। नैब लाहौर ने साबिक डीपीओ गुजरात कामरान मुमताज को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम पर पुलिस फंड्स में मजमुई तौर पर 55 करोड़ रुपए की मुबैना खुर्दबुर्द का इल्जाम है। तर्जुमान नैब लाहौर। कभी प्रेशर में कमी तो कभी गैस की लोड शेडिंग, शहरी अजियत में मुबतला। लुटन रोड के मकीनों का सबर जवाब दे गया, सड़कों पर आ गए। सुई नॉर्दर्न गैस इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज, गैस दो के नारे। सरदार उस्मान बुजदार ने नून लीग के 10 साल मंसूबों की तफसीलात तलब कर ली। मंसूबे कब शुरू हुए और इस पर कितनी लागत आई, तमाम तफसील फराहम की जाए। महकमा बल्दियात को मुरासला भिजवा दिया गया। तालीमी इदारों को आला रिवायात का हामिल बनाकर उनके वक़ार को मजीद बुलंद करना होगा। हुकूमत आवाम को सेहत तालीम समेत बुनियादी सहूलतें बरूएकार ला रही है। वाइस चांसलर्स को बाइख्तियार बनाया जा रहा है ताकि वो अपने मामलात बेहतर तरीके से अंजाम दे सकें। चौधरी परवेज इलाही की वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ मुलाकात में गुफ्तगू। प्रोफेसर डॉक्टर नियाज अहमद ने जामिया पंजाब में तालीमी सरगर्मियों बारे आगाह किया। और असातज़ा की रैशनलाइजेशन का मामला, महकमा स्कूल एजुकेशन ने असातज़ा का रिकॉर्ड जमा करना शुरू कर दिया। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज को रिकॉर्ड ऑनलाइन करने की हिदायत। फौरी तौर पर 7,500 असातज़ा की कमी को पूरा किया जाएगा।